अब आप सोचो, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन जो इस बिजनेस की प्रकृति है, जो इस बिजनेस की नीड है, वो आप नहीं कर रहे। और नीड क्या है साहब? पहली नीड है मेहनत, वो आप कर नहीं रहे। टू बी फ्रैंक, नहीं कर रहे। जो मेहनत एक्चुअल में ये बिजनेस मांगता है, वो मेहनत आप नहीं कर रहे हैं। आप लोग एवरेज लाइफ जी रहे हो यार। देखो, एक ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनकी खर्चा 50,000 रुपए है, लेकिन उनकी इनकम 5 करोड़ रुपए उस 50,000 के एवरेज में। वो बिजनेस टाइकून है, बड़े बड़े, है ना, प्रेम जी, अंबानी जी, है ना, बिरला जी, टाटा जी, बड़े बड़े लोग हैं जो जिनकी इनकम, मतलब खर्चा अगर रेशो निकाला जाए तो 50,000 के ऊपर 5 करोड़ रुपए उनकी इनकम है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए है, 50,000 रुपए खर्चा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपए है और खर्चा 50,000 रुपए, यानी कि जीरो, नील बटा सन्नाटा है, सेविंग नहीं हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनका खर्चा 50,000 रुपए है लेकिन इनकम 40,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए वो क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेके अपना घर चला रहे हैं। इधर से टोपी उधर, उधर की टोपी उधर कर रहे हैं। स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे दौड़ रहे हैं, किराए को घर में रह रहे हैं, बढ़िया खाना नहीं खा रहे, बढ़िया कपड़े नहीं पहन रहे, बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, कहीं कुछ बढ़िया नहीं हो रहा लाइफ में। कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप लोग? हाँ जी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एट पार हो, 50-50 में हो, या 50 से नीचे वाले में हो, या 5 लाख में हो, कहाँ पे हो? 40,000 वाले में हो। देखो, 50,000 खर्चा है, 40,000 रुपये इनकम है, हालत ये है। तो साहब, आप लोगों को तो उस टाइम ताबड़ तोबड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो दो हाथ में तलवारें लेके चलनी पड़ेगी, खचा खच खचा खच खचा खच खचा खच मारना पड़ेगा आपको तो, मार्केट में उतर के। आपको तो चैन से बैठना नहीं चाहिए यार। आपको तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए घर में जाके, साला मैंने किया क्या सुबह से लेकर शाम तक, एक एंट्री नहीं निकाल पाया मैं एक व्यक्ति से मिला नहीं, एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया, एक व्यक्ति को गेस्ट को इनवाइट नहीं कर पाया मैं नेक्स्ट वीक में कर क्या रहा हूं? धिक्कार है मुझ पर जो मैं 50,000 रुपये मेरी इनकम नहीं है और मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं। कल को बच्चों को क्या सुख दूंगा मैं? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनको क्या उनकी नीड पूरी करूंगा मैं? आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती यार? सोच के देखो। अब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी अगर आप अभी भी इस कंडीशन में हो, तो साहब मुझे बताओ गलती किसकी है? हाजी, गलती तो हमारी है, तो मानना पड़ेगा। अब ये तो तस्वीर है सर सामने आपके, क्या आप किस कैटेगरी में हो। अब आपकी कैटेगरी अपने आप चूज कर लो। अब आपको जरूरत है पैसे की, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। कंपनी आपको प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड निकाल के देने की कोशिश कर रही है कि आप लोग उस रिवॉर्ड को कर लो पूरे, तो कम से कम उस रिवॉर्ड के चक्कर में आपके पास कुछ लोग आ जाएंगे जिनके साथ आप काम कर पाओगे और पैसे भी आ जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप उस रिवॉर्ड को भी अवॉइड कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो रिवॉर्ड निकालना ही बेकार है कंपनी का। अगर आप एक्सक्यूजेस देते हो, बहाने बनाते हो, यह हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो भैया वो बहाने से तो पैसे आने वाले नहीं है। देखो, यहां पे हंसी खुशी भी चलेगी, प्यार भी चलेगा, लेकिन थोड़ी सी फटकार भी चलेगी। तैयार हो? आर यू रेडी? देखो, जब तक आपको अपना आईना नहीं नजर आएगा ना, समझ में नहीं आएगा आपको आप कितने पानी में। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका खुद को नहीं पता ना कि मैं कितने पानी के अंदर खड़ा हूं, जब तक आप बस वो आए गए चल रहा मामला।